पिछले कुछ दिनों से राजस्थान उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों में गर्मा गर्मी जारी है और इसी के चलते एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगना लाजमी है। लेकिन इसी के बीच एक हनुमान बेनीवाल का विवादित बयान वाला वीडियो सामने आया, जिसमें हमारे पास रिक्वेस्ट आई लोगों ने आग्रह किया कि इसकी पड़ताल की जाए। और हमने इसकी पड़ताल वो वीडियो से की जहां सबसे पहले ये वीडियो अपलोड किया गया है। आपको बता दें कि हिंदू धन्नाराम देवासी SJS नाम से एक अकाउंट है जिसके ऊपर ये वीडियो अपलोड पाया गया। उसमें लिखा है कि इतना घमंड काम कोनी आवे हनुमान जी, और भी घमंड राखता तो बीजेपी सपोर्ट नहीं लेते, जाट समाज को भी गुमराही कर रहे हो, अपने स्वार्थी राजनीति के कारण आपस का भाईचारा क्यों खत्म करवा रहे हो, ऐसा इस वीडियो में लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये वीडियो अपलोड किया हुआ है और इस वीडियो की तहकीकात तक हम इसलिए भी पहुंच पाए क्योंकि जिस दिन ये वीडियो और ये सभा आयोजित हो रही थी हमारे संवाददाता और हमारी टीम वहीं पर मौजूद थी और हमारे खुद के कैमरे से शूट किया गया था ये वीडियो। आइए चलते हैं और इसकी पूरी तहकीकात तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि कितना ये वीडियो सही है और कितना गलत। आपको सुनवाते हैं पहले वो वीडियो जिसमें विवादित बयान के साथ में ये वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो हाथ आया एक 2 कोटी का भंवरलाल देवासी, जो गल्ला है, जो रंडे सप्लाई करता है, उस देवासी ने सारा काम बिगाड़ के और पूरी एसी की यहाँ पे करी थी और आदमी का दलाल था भंवरलाल देवासी। उस दलाल को यहाँ से हटाया, मेरे काम लगा दे उस गल्ले को। अब उसका मुझे लग रहा है उसकी दिमान खराब है देवासी की, वो हमसे पंगा लेगा। जाटों ने जिसे भी पंगा लिया क्या करवा है, वो राय नहीं मिल गया अपना, ये पागल हो रहा है क्या अपना। पार्टी नापी और अपने लोगों को आगे लाने का काम किया। पार्टी बनाने के बाद 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ाए, उनमें 3 से ज्यादा नौजवान थे और मैं उनको विश्वास रहता हूँ इस विधानसभा की जीत के बाद एक बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती पे करेंगे। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता मुक्त बिजली और राजस्थान में भी गुजरात की तर्ज पर टोल मुक्त राजस्थान का आंदोलन होगा, कानून का राज होगा। भाइयों, अभी सरकार ने मंडाए फ्यूचर के अंदर सैकड़ों कर्मचारियों को ट्रांसफर कर दिए बिना बात, किसी को बाड़मेर भेज दिया, किसी को जयपुर भेज दिया। समय आने दो, यूनियन के पत्ते ले लेंगे। जिन्होंने 1 रुपया डाला है उनके 100 रुपये वापिस डालेंगे। अब हमारा टारगेट छोटा नहीं है, हमारा टारगेट अशोक गहलोत है, उसे राजस्थान की सत्ता से प्रत्युत करके उसे हटाना है। इसके साथ आपको लड़ना, ये फ्यूचर की लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आरोपी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अशोक गहलोत वर्सेस किसान के बेटे की उस पार्टी की लड़ाई है, उस भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी की लड़ाई है जिसने किसानों का आशीर्वाद से, जवानों का आशीर्वाद से, किसानों के खून पसीने की कमाई से इस पार्टी को खड़ा किया और राजस्थान के अंदर आपका डंका बजा और दिल्ली के अंदर भी किसानों को मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि 30 तारीख को बोतल के निशान पे भारी वोटों से जीताना है, जिससे 55,000 से बीजेपी आरएलपी गठबंधन से मुझे जीत दिलाई थी। उसी तरह आपको मेरे छोटे भाई नारायण जो भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी का स्वयं प्रत्याशी है, मैं धनेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर धनकर आपने मदद करी और इस चुनाव का पूरा जिम्मा पूरी टीम पे, बीजेपी आरएलपी टीम पे, और अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये श्रेय आप सबको मिलेगा, अकेला हनुमान को श्रेय नहीं मिलेगा। 36 कौम की जीत होगी और नरेंद्र जी मोदी की जीत की उत्तर होगी। इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ कि आपने मुझे बीच बीच में अगर चक्कर काटने का मौका दिया तो मंडावा की जीत भी आपकी टोली के अंदर होगी और हरियाणा के अंदर भी कई बुलेट मेरे चुनाव के अंदर करेंगे। आप सब आए और 6 घंटे इंतजार किया, हजारों हजार की संख्या के अंदर आए, हमेशा आशीर्वाद मेरे परिवार पर रखा, 6 बार मुझे वोट डाल दिए और 6 बार मेरे पिताजी को वोट डाल दिए, 12 बार आपने वोट दिया। आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे परिवार के ऊपर है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल खून का आखिरी कतरा भी उसके जिस्म के अंदर रहेगा। अपने किसान भाइयों की रक्षा के लिए, अपने छोटे भाइयों के हितों के लिए हमेशा जयपुर और दिल्ली की सड़कों पर इसी तरह कार्य करता रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
तो आखिर में जब हमने इस वीडियो के निष्कर्ष पर निकले तो जो विवादित बयान के साथ पहला वीडियो अपलोड किया गया है वो फेक निकला और ये भ्रामक जानकारी और ये वीडियो बनाकर हनुमान बेनीवाल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के द्वारा ये सुझाव हमारे पास आया था, रिक्वेस्ट आई थी कि हम इसकी पड़ताल तक पहुंचे। तो हमारी इस पड़ताल में ये वीडियो बिल्कुल फेक निकला। हमने दिखाया आपको दोनों वीडियो, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें फर्स्ट वाला वीडियो बिल्कुल फेक है और जो दिखाया जा रहा है सेकंड वीडियो वो बिल्कुल सही है। और भी वीडियो की पड़ताल के लिए यदि फेक न्यूज़ आपके पास आती है तो हमारे पास आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम पड़ताल करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे वीडियो।